लिए सबसे पहले हम टार्ट बना लेंगे। हाफ कप मैदा लेंगे, मैदा को छान लेंगे। मैदा को इस तरह छान लें। इसमें एक चौथाई कप पीसी हुई चीनी डालें, दो टेबलस्पून, दो बड़ा चम्मच मक्खन डालें। आप चाहें तो बाजार का बटर भी ले सकते हैं, हम घर का निकला हुआ मक्खन डाल रहे हैं। इसे डाल के अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। हमें ये डो मक्खन से ही तैयार करना है, इसमें कोई दूध वगैरह या फिर पानी वगैरह नहीं डालना है। डो इस तरह तैयार हो चुका है, इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें। 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम टार्ट बनाएंगे। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। और इसे अब हम बेलेंगे। इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेलना है। इस तरह इसे बेल के अब ये कपकेक वाला मोल्ड लेंगे, इसी में टार्ट भी बनता है। इसे इसमें इस तरह स्प्रेड कर देंगे, दबाते हुए अच्छी तरह से इसे फैला दें। और इस एक्स्ट्रा वाले को निकाल दें। इस तरह सारे टार्ट तैयार कर ले और एक फोक की सहायता से इसमें इस तरह होल कर ले ताकि टार्ट फूले ना। सारे टार्ट इसी तरह तैयार कर ले। ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दें। इस तरह सारे टार्ट तैयार हो चुके हैं, अब इसे हम बेक करने रखेंगे। टार्ट को हमने 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए टाइम सेट करके रखा है। ये बेक हो चुके हैं, इसे बेक होने में 15 मिनट लगे हैं और 180 डिग्री पे बेक हुए हैं। इसे आप थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो रहा है, इतनी देर हम इसके लिए फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए एक टेबलस्पून क्रीम चीज ले लें, एक टेबलस्पून हंग कर्ड ले लें। इन दोनों को अच्छी तरह से बीट कर लें। अब इसमें हाफ कप मैंगो प्यूरी डालेंगे, आम का पल्प। इसे हमने आम को छील के और मिक्सी में घुमा लिया था, इसे भी इसे मिला के अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे बीट कर लें। अब एक तरफ गैस पे एक पैन में एक टेबलस्पून चीनी लेंगे और उसमें एक टीस्पून पानी डालेंगे। इसे मेल्ट कर लेंगे। पानी और चीनी को मिला के चीनी को मेल्ट कर लेना है। फ्लेम को लो में रखें। चीनी मेल्ट हो जाने पे गैस को बंद कर दें। अब टार्ट में हम इस मिक्सचर को भरेंगे।
मैंगो के, आम के इस तरह पतले पतले स्लाइस काट लेंगे और इसे इस तरह फैलाते हुए सारे टार्ट पे इसी तरह रख लेंगे हम। डेकोरेशन आपके ऊपर है, आप किसी भी तरह कर सकते हैं। अब हमने चीनी से जो ग्लेज बनाया था उससे इस पे इस तरह ग्लेज कर दें आम के ऊपर और टार्ट के ऊपर। अगर ये ठंडा होके गाढ़ा हो जाए तो इसमें एक चम्मच पानी डाल के और गरम करके इसे पतला कर लें, इसे इस तरह ग्लेज कर लें सारे टार्ट को, इसी तरह ग्लेज कर लें। अब इसे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। मैंगो टार्ट तैयार है, इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा।